जैसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन टूटा है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी लगातार पानी के क्राइसिस को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वही बात देवेंद्र यादव की करें तो आज उनका मटका फोड़ आह्वान जो पूरे दिल्ली में चलाया जाएगा उसको लेकर नारे लगा रहे हैं, जिनका कहना है कि दिल्ली सरकार पानी दो पानी दो पानी दो। प्रोग्राम किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी देंगे। गठबंधन टूटते ही कांग्रेस देखिए, गठबंधन उन्होंने तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। गोपाल राय जी ने चुनाव के अगले दिन ही बोल दिया दिल्ली में गठबंधन हमारा नहीं है, तो दिल्ली में गठबंधन नहीं है, केंद्र में गठबंधन है। तो केंद्र की जो नीति होगी वो केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी, वो उनका आपसी समझौता, उसमें हम लोग उसमें कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन गोपाल राय जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है और गोपाल राय जी ने जो समझौता खुद खत्म करा और उन्होंने खुद बयान दिया था दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के अंदर हम विधानसभा के अंदर समझौता नहीं करेंगे और हमारा समझौता दिल्ली के अंदर नहीं है। पानी के क्राइसिस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता जो आज त्राही त्राही हो रही है, पानी के लिए मोहताज हो रही है, इसमें केजरीवाल जी का जो दिल्ली मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए और जेल के अंदर से सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि जेल के अंदर से सरकार जब चलती है, जब उनके पीछे कोई चलाने वाला हो। लेकिन हर चीज के लिए एक दायित्व होता है, एक महत्व होता है, उसको आपको रखना पड़ेगा। हमारे बीच में SC ST के जिलाध्यक्ष दलित चौहान जी, ऐसे जाने के सर पानी के क्राइसिस लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? मुख्यमंत्री जी पानी को लेकर यहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो चुकी है और बढ़ती गर्मी के क्राइसिस को लेकर जिस तरीके से पानी की किल्लत दिल्ली के अंदर है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है। सर कितने लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? यदि ये पानी नहीं आता है तो ये प्रदर्शन कहाँ तक चलने वाला है? प्रदर्शन जारी रहेगा आगे तक, जब पानी नहीं आएगा तो जारी रहेगा। तो पानी नहीं आएगा तो प्रदर्शन जारी रहेगा और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। जनता की जो आकांक्षाएं थी, प्रदर्शन कर रही है, रोक रही है। तो देख सकते हैं आप हमारे कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, तो मटका लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं
और आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर ये प्रदर्शन है और सीधा दिल्ली में वाटर क्राइसिस को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है जो नरेंद्र यादव के नेतृत्व में विधानसभा वार्डों में चल रहा है। सरकार है वो बीजेपी की है जो पानी नहीं दे रही है और बीजेपी के लोग दिल्ली की जो पाइपलाइन है उनको तोड़ तोड़ करके वहाँ की वीडियोग्राफी डाल रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के नेता दिल्ली की पाइपलाइनों को तोड़ तोड़ करके उनकी फोटो डाल रहे हैं और कह रहे हैं ये पानी का वेस्टेज है जबकि वो कुकर परफॉर्म कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं उनके नेता कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कल इनको बोल दिया है आगाह कर दिया इनको कि आप होश में रहे जहाँ तुम्हारी सरकार नहीं होती है दंगा कराते हैं जहाँ तुम्हारी सरकार नहीं होती है तोड़फोड़ करते हैं पानी की वेस्टेज करके दिखाते हैं ऐसे तराई तराई करने का जो तुम काम कर रहे हो उस पर आप लगाम लगाओ। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा आरोप वेद प्रकाश बेदी जी ने लगाया है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दिल्ली की जनता को तराई तराई कर रही है। एक सरकार पानी देने में नाकाम है तो दूसरी सरकार उसी पानी पर राजनीति करके दिल्ली की जनता को प्यासा मारने पर आमादा है। लेकिन हमारे पूर्व विधायक जी है जो तकरीबन 15 साल तक इस क्षेत्र को अपनी सेवा इन्होंने दी थी सर पानी को लेकर जो क्राइसिस दिल्ली के अंदर है इसमें किसकी साजिश या किसकी नाकामी अखिल भाई के पानी पे इस तरह से दिल्ली में राजनीति हो रही है और पहली बात तो ये कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल है और दिल्ली के हर मुद्दे पर फेल रही है चाहे हम पानी की बात करें बिजली की बात करें और शिक्षा की बात करें अस्पतालों की हम बात करें आज दिल्ली का जो विनाश आप देख रहे हैं दिल्ली के लोगों को जो सुविधा नहीं मिल रही है उसके लिए केजरीवाल सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। मुझे बड़ी हैरत की बात है शर्म की बात है ये दिल्ली की जनता के साथ लोगों के जो न्याय करना चाहिए वो भारत सरकार भी केवल राजनीति करके एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे हुए हैं। अभी जैसे हमारे साथी ने बताया कि पाइपों को तोड़ तोड़ करके उनकी वीडियो बना करके भेजी जा रही है हमारी भारत सरकार को भारतीय जनता पार्टी को हमारे माननीय अध्यक्ष मोदी ने हमारे युवा नेता राहुल गांधी ने खड़गे साहब ने ये आगाह कर दिया है कि अगर आपने जहां आपकी सत्ता नहीं होती वहां झगड़े करा देते लोगों को मरवाते और फिर दूसरे धार्मिक मुद्दे बना करके आप लोगों को हत्या करते हैं उसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं इसलिए वो धंधा अब नहीं चलेगा। देश की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में ये संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म के नाम पर राजनीति करेगी लोगों की जनता की समस्या को नहीं देखेगी लोगों का रोजगार की तरफ ध्यान नहीं देगी पानी बिजली और जो समस्याएं होंगी उनकी तरफ नहीं ध्यान देगी तो आने वाले समय में जो अभी नरेंद्र मोदी जी बाल बाल बच गए जो प्रधानमंत्री देश का 5 लाख से जीत कर आए वाराणसी में वो 1.5 लाख से जीत करके एक तरह से बेईमानी करके अपना पीछे छुड़ाया है बचा है। मैं कहना चाहता हूँ अगर हमारे नेता और थोड़े से वहाँ मुस्तैद होते और थोड़े से जागरूक होते तो नरेंद्र मोदी जी वो सीट से नीचे आ जाते उनको हार का मुंह देखना पड़ता। शर्म की बात तो ये है कि इनके मुद्दों में इन्होंने ध्यान नहीं दिया लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। अयोध्या जिसके नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ रहे थे राम के नाम पर उसी अयोध्या में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। कारण क्या था? कारण यही था कि इन्होंने गरीबों की तरफ नहीं देखा बेरोजगारों की तरफ नहीं देखा गरीब लोगों की जमीनें वहाँ छीन छीन करके उनको मुआवजा नहीं दिया उनको अल्टरनेट जमीन नहीं दी उनको बाहर से अपने गुंडों को ला करके उन्होंने फंसाया और बिजनेस का बड़ा आता राम मंदिर को अयोध्या को बना दिया उन्होंने। आज वहाँ प्रसाद भी 400-500 रुपये किलो लड्डू बनते ये लोगों को ठगने का अड्डा नहीं है तो क्या है। हम इस बात की निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या नहीं
भारत के हर कोने में आपको इसी तरह से शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। या तो अपनी आंखों को सुधारो, जनता की तरफ ध्यान दो, अन्यथा अगर धर्म के नाम पे केवल राजनीति की तो आपको औंधे मुंह गिरना पड़ेगा, आपको हारना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, यहाँ पर जो गठबंधन टूट चुका है तो क्या ये तैयारी है आने वाले विधानसभा चुनाव की, जो पानी क्राइसिस को लेकर आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, आप नतीजे देखिए देश के। जहाँ जहाँ गठबंधन नहीं था वहाँ कांग्रेस की पार्टी मजबूत हुई है। मसलन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वहाँ सादे सबसे ज्यादा अच्छे मसौदे वहाँ जीत के आए लोकसभा में, यह आपने देखा होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि गठबंधन के उन्होंने नाम का किया, जो काम इन्हें करना चाहिए था वो काम इन्होंने नहीं किया। हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया, कांग्रेस के लोगों ने काम किया, कांग्रेस के लोगों ने वोट दिया हमारा, इनका सहयोग हमें नहीं मिला। सहयोग मिलता तो निश्चित तौर पर जैसे हम पंजाब में और कई जगह जीत का है, हम दिल्ली में क्लीन स्वीप करते, हम आपसे दावा करते। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि भविष्य में हमारी पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी चाहे नफा हो या नुकसान हो वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी और इसको हार के दिखाएगी। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गठबंधन को वोट नहीं दिया? देखिए, मेरा कहना है इनके नेताओं में जिस दिन यहाँ रैली हुई उस रैली के बाद किनारा कर लिया और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, जो सहयोग मिलना चाहिए था उतना नहीं दिया। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर वो मिलता तो आप निश्चित तौर पे देखिए क्यों नहीं इसका रिजल्ट हमें अच्छा आता, रिजल्ट अच्छा आता। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन साहब ने प्रोग्राम कराया? एक मिनट भैया, रुक जाओ यार, जुगल जी एक मिनट, रुक जाओ। वो गठबंधन वाला साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, राजेंद्रपाल गोतम को रिजाइन करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हो। आज जो पानी की यहाँ किल्लत है उसके लिए राज्यपाल गोतम भी पूरी तरह से जिम्मेदार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया आगे, केवल अखबार में हम न्यूज देने से अपने संहिता नहीं बन जाते, जिम्मेदारी से दूर नहीं जाते। उनको ग्राउंड पाकर काम करना चाहिए था। कांग्रेस शासन ने, कांग्रेस की पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने बड़ी दिक्कत से, बड़ी मेहनत से टीवी गढ़वाल से लाकर दिल्ली के लिए लोगों को पानी पिलाया था। आज पानी की बर्बादी को नहीं रोक सकते हैं, आज लोग लीकेज हो रही है उसको नहीं रोक सकते हैं। क्या करेंगे फिर, जो सरकार निकली तक नहीं रोक सकती, पाइपों का जो फट रहे हैं, पानी बर्बाद हो रहा है उसको नहीं बचा सकती तो और क्या कर सकेगी? नहीं जाना चाहता। आप देख सकते हैं यहाँ पर इधर सीधा आम आदमी पार्टी के विधानसभा विधायक पूर्व विधायक वीर सिंह धीकान ने वर्तमान विधायक राजेंद्र पाल गौतम पर कड़ा प्रहार किया। सर क्या नाम है आपका? नवीन शर्मा नाम है मेरा, मैं दिलसाज का रहता हूँ। इनको भी आंदो ना भाइयों को, कोई बात नहीं, ये ले लो। सर नवीन शर्मा जी, आप तो परिचय के मोहताज ही नहीं हैं, ये आपके जो आयोजन से जो प्रोग्राम रखा गया है इसके बारे में जानना चाहेंगे। जो आज यहाँ पर मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ है देवेंद्र यादव के आह्वान पर, तो इसमें क्या कोई राजनीति चल रही है या वाकई दिल्ली की जनता वाटर क्राइसिस को लेकर त्रस्त है? भाई साहब देखो, मैं आपको बताऊं, आपके घर में भी दिक्कत हो रही होगी पानी की। आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, हम एक पोस्ट एरिया में रहते हैं, वहाँ भी दिक्कत है, झुग्गी झोपड़ी इस्लम एरिया में, तो बुरा हाल है। और ये दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी हो, अगर कोई जनता के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसके खिलाफ। आपको क्या लगता है, दिल्ली गवर्नमेंट खिलवाड़ कर रही है या केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है? दोनों ही कर रहे हैं। बीजेपी पाइपलाइन लीक करती है और उसकी फोटो बनाती है, वीडियो बनाती है, और आम आदमी पार्टी रोना रोती है हिमाचल के ऊपर। ये दोनों एक दूसरे के ए बी जो टीम है, और ये दोनों ही दिल्ली की जनता को तंग कर रहे हैं पूरी तरह। आज दिल्ली की जनता कांग्रेस को याद कर रहे हैं, शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। आज ये हालत हो चुकी है, इधर शीला दीक्षित जब थी उस समय 600 करोड़ फायदे में था दिल्ली जल बोर्ड, आज 78,000 करोड़ में नुकसान में है।
ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के एमपी कह रहे हैं, ठीक है ना, और हमने जो आरटी डाली थी उसका जवाब कह रहा है। लेकिन सर दिल्ली सरकार तो दिल्ली की जनता को 700 लीटर पानी फ्री दे रही है ना, तो हो सकता है उस वजह से भी कर्जे में चली गई। सर ऐसा नहीं है, देखो वो फ्री का दे रही है, फ्री के नाम पे घोटाले हो रहे हैं, पानी फ्री जा रहा है, उसकी कोई गिनती नहीं होती, उसकी कोई नाप नहीं होता, वो सब घोटाले में जा रहा है। अब हरियाणा से टैंकर आते हैं, वो दो दो नंबर के टैंकर भर के आते हैं और वो पानी बेचते हैं। ये दिल्ली की गवर्नमेंट फ्री के नाम पे पानी का घोटाला कर रही है बहुत बड़ा, और इसमें बीजेपी के जो नेता हैं हरियाणा वाले वो भी शामिल हैं। अच्छा सर, लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूटा है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है और प्रदर्शन वाटर क्राइसिस को लेकर ज़्यादा कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं? सर देखो, मैंने आपको पहले बताया था, जो दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे कुछ, चाहे वो कोई भी हो, हम उसके खिलाफ रहेंगे। आम आदमी पार्टी से हमारा गठबंधन एमपी के इलेक्शन तक था, ठीक है, और अब हमने जब देखा दिल्ली की जनता दुखी हो गई है, तो हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुल के रोड पर आ गए हैं, और हम आम आदमी पार्टी को ये बता रहे हैं कि आप होश में आ जाओ और दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं तो आपको भारी पड़ जाएगा। पूर्व विधायक जी आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसने गठबंधन को वोट ही नहीं दिया है। सर देखो, मैं गठबंधन के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, आज पानी की समस्या है, मैं उस पर आपसे बात करूँगा। अब ये तो बड़े नेताओं की बात है, गठबंधन हुआ था ऊपर लेवल पे, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा ये तो सबको पता ही है। बाकी मैं आपको फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि दिल्ली की जनता के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा हम उसके खिलाफ हैं। तो नवीन शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी। मैंने अब तक आपको दो ब्लॉक अध्यक्ष की आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया है, अब एक और ब्लॉक अध्यक्ष वार्ड 218 सुंदर नगरी से आकिल राणा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, इनसे भी एक बार जान लेते हैं। सर, वाटर क्राइसिस राजनीति है या एक अहम मुद्दा? देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज़ बनकर उभरी है, जब जब भी जनता को नुकसान या कोई मसला ऐसा आया है जिसमें लगता है कि जनता की आवाज़ बनना चाहिए, जनता के दर्द को समझना चाहिए, तो उस दर्द को अगर सबसे पहले किसी ने महसूस कराया था वो कांग्रेस ने महसूस कराया। आज जब दिल्ली के अंदर जनता पानी के लिए तरस रही है और गंदे पानी से परेशान है, तो कांग्रेस ने अपने परिवार के खिलाफ ही, अभी देखिए कि हमारा बहुत जल्दी में गठबंधन है, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि हमें इसके आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब जनता की ज़रूरत पड़ी कि जनता की ज़रूरत है और हमें अपनी बात को नहीं छुपाना चाहिए, हमें उसकी शर्म नहीं करनी चाहिए कि हमारा अभी गठबंधन था, उसके बावजूद कांग्रेस मैदान में आई और जनता की आवाज़ बनके उभरी है, क्योंकि जनता को वास्तव में पानी की ज़रूरत है, चाहे उसमें गलती हमारी दिल्ली सरकार की रही हो या केंद्र सरकार की है, जो केंद्र सरकार जानबूझ कर इस तरह से परेशान कर रही है कि ये सरकारें बदनाम हों और जनता इनके खिलाफ हो, लेकिन जनता की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस हमेशा आगे रही और इस बार भी आगे आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, जैसे गठबंधन गोपाल राय जी के माध्यम से टूटने का जो एक संदेश आया है उसको लेकर? नहीं, गोपाल जी का क्या संदेश है वो एक अलग मसला है, कि वो हमारे बड़े लोग देखेंगे कि वो हमने कहाँ संगठन को आगे लेके जाना है या हमें रखना है या नहीं रखना, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम जनता की आवाज़ हमेशा बनकर उभरे हैं। आज भी जो ज़रूरत थी वो ये थी कि लोग पानी के लिए तरस रहे थे, कोई तो ऐसा था जो जनता की आवाज़ को बनकर उभरता, तो कांग्रेस ने इस काम को कदम उठाया है और वो आगे आई है इस मामले में। तो अगर ये वाटर क्राइसिस ख़त्म नहीं होता है तो कांग्रेस की हद तक जाने वाली? अगर ये वाटर क्राइसिस ख़त्म नहीं होता है तो कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगी और देखेंगे इसमें कहाँ तक आगे जाएंगे, और अभी जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया है कि जो जनता दिल्ली के हक का पानी वो मिलना चाहिए तो मिलेगा, उसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से लड़ाई करेगी। क्या कौन जिम्मेदार है इसमें? ज़्यादातर जो जिम्मेदार है वो भाजपा सरकार है, वो जानबूझकर दोनों सरकारों को बदनाम करना चाह रही है और वो चाहती है कि जो दिल्ली के अंदर सेकुलर सरकार, सेकुलर पार्टियों के पक्ष में जो जनता का एक राय बनी हुई है उस राय को वो तोड़े, उसके लिए चाहे वो किसी भी हद से जाना पड़े। देखा जो जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही है कि वो पाइपों में बाकायदा सुराख तक कर रहे हैं, ये साफ जाहिर कर रहा है कि वो जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको बदनाम करने के लिए इस तरह के काम कदम उठा। बीजेपी जी पूरी तरीके से इसमें बीजेपी जो है वो जनता के अहम मुद्दे से पानी जैसी चीज़ के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये बड़े ही शर्म की बात है और दुख की बात है। चलिए ठीक है, हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष वार्ड 218 से आकिल राणा जी थे। एक और हमारे कार्यकर्ता हैं सर, सीनियर कार्यकर्ता। सर क्या नाम है? इधर इधर आओ। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा हो जाओ, कोई बात भाई, खुले हो गए लोग, खुले हो गए। सर क्या नाम है? अयूब चौधरी। अयूब चौधरी जी, आप यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं वाटर क्राइसिस को लेकर, क्या लगता है? छोड़ दो यार भाई, दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है कि आज
संविधान के तहत हर भारतवासी को बिजली, पानी, मकान, रोटी, रोजी ये तो चाहिए, लेकिन ऐसी भीषण गर्मी के अंदर लोगों को पानी पीने को नहीं मिलना, लोग परेशान हैं, तो पानी मिलना चाहिए। और एक बात और कहूँ मैं कि ये प्रदर्शन जो हुआ, इस प्रदर्शन में राजनीति की गई है। अच्छा। राजनीति की ये की गई है कि ये इस तरीके के जो होर्डिंग दिखाए गए हैं ये बिल्कुल गलत हैं। इसमें छोड़ दो, सर ये जो प्रदर्शन हुआ है इसके बारे में, ये प्रदर्शन दिल्ली की जनता के लिए हुआ है कि दिल्ली की जनता जो पानी के लिए तराई तराई कर रही है, ये दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी आपस में जो कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उसमें दिल्ली की जनता पिस रही है सबसे ज़्यादा। तो हम दिल्ली की जनता की आवाज़ बनना है, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमेशा जनता के लिए संघर्षशील रहता है, हमेशा सड़कों पर रहता है। आज भी हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमारे पूरे दिल्ली के अंदर सारे जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश लेवल पे ये प्रदर्शन हो रहा है पानी। सर ये कंपटीशन किस तरीके का? कंपटीशन ये है कि भाजपा की जो नीतियाँ हैं कि जिस प्रदेश में उसकी सरकार नहीं है उस सरकार को वो ख़त्म करना चाहते हैं अपने तानाशाही के जरिए। आप पूरा देश देख रहा है उन्होंने कितनी सरकारें कितनी पार्टियाँ ख़त्म करी अपनी घमंडपन में, और उनका अहंकार इस देश की जनता ने तोड़ा है, आपने देखा है। आज वो उनकी सरकार बैसाखियों पे खड़ी हुई है, पता नहीं कब बैसाखी खिसक जाए और कब ये सरकार गिर जाए, ये इनका अहंकार है, ये टूटेगा। जो पानी का जो क्राइसिस बड़ा हुआ है और आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है पानी को लेकर, तो इसमें आपको किसकी साजिश लगती है, केंद्र सरकार की या आम आदमी पार्टी की, या ये एक वैसे ही एक क्राइसिस है जो हमेशा की तरह होता है? सर इसके लिए दोनों ही पार्टियां जिम्मेवार हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और अरविंद केजरीवाल की सरकार। जनता तराई तराई हो रही है, जनता को पानी नहीं मिल रहा, और कुछ जगह पानी आ रहा है तो सीवर मिक्स पानी आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। और वैसे तो वो पानी गंदा छोड़िए, बिल्कुल भी पानी इस समय सप्लाई बंद है, लोग हमारे एरिए में तराई तराई कर रहे हैं और पानी से बहुत परेशान हैं। तो ये प्रदर्शन जो है हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह जी के आह्वान पर इसको हमने अपने ब्लॉक लेवल पर इसको आयोजित किया है, ये दिखाने के लिए कि हम लोग जो है पानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को पानी दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और हमारे देवेंद्र सिंह जी का जो आदेश हमें है उसका निर्वहन करते हुए हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। अच्छा, जानना चाहूँगा कि इसमें जो ये जो पानी की जो किल्लत है, क्या सभी पूरी विधानसभा में है या कुछ क्षेत्र में हो? नहीं, अभी तो सर विधानसभा छोड़िए पूरे दिल्ली में ये समस्या बनी हुई है, सारी दिल्ली जो है पानी से तराई तराई कर रहे हैं। आपके यहाँ भी पानी आ नहीं रहा होगा, अगर आप इस एरिया में रह रहे हैं तो आपको भी इससे अवगत होगा कि भाई पानी की समस्या वाकई विकट समस्या है और इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। यदि जल्दी ये समस्या पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी क्या अगला स्टेप लेने जा रही है? सर इससे लार्ज स्केल पर जो भी हमसे हमारे को हमारे प्रदेश से हमारे लीडर साहबान जो हमें आदेश करेंगे उसको हम निर्वहन करेंगे, और इससे बड़ा प्रदर्शन जो है हम दिल्ली सरकार के मुख्यालय पे जाके करेंगे, दिल्ली सरकार के सामने प्रदर्शन करेंगे, और सर मंत्रियों का घेराव करने की नौबत आई तो हम घेराव भी करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ 2025 का बिगुल है क्या ये प्रदर्शन? सर देखिए जो गठबंधन है जो वो है ये वो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पानी की समस्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है पानी देने का प्रयास किया है, और उसको जो रोक लगा दी गई है दोनों सरकार की वजह से उसको दिलाने के लिए हम प्रयास रहते हैं और प्रयास करते रहेंगे। यानी कि इसमें राजनीति नहीं? सर राजनीति इसमें राजनीति नहीं है, पानी दिलाना हमारा काम है, हम पानी लोगों को मिल नहीं रहा उसको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें राजनीति कोई नहीं है सर। और अगर नहीं मिला तो हम वाकई आपको आश्वासन दे रहे हैं मंत्रियों का घेराव करना पड़े तो हम वो काम भी करेंगे। क्या नाम था सर आपका? क्या नाम? सर मेरा नाम वाई पॉल, मैं सीमापुरी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी हूँ। तो आपने देखा, मैं इस वक्त मौजूद था, तो आपने देखा ये वो लोग वो कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस पार्टी के थे, जिन्होंने न केवल आम आदमी पार्टी के विरोध में प्रदर्शन किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हमने चर्चा की, जिन्होंने बताया कि दिल्ली वाटर क्राइसिस में न केवल आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी इस पर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल्ली की जनता के लिए मैदान में खड़ी रहती है, सड़कों पर उतरती रहती है, यदि दिल्ली की जनता को
परेशान किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी दोबारा से मैदान में उतरने में कोताही नहीं बरतेगी, जिसका आज विजुअल आप देख सकते हैं कि यहां पर ये मटके फोड़े गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के आह्वान पर पूरी दिल्ली में अपना वोट प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कैमरा पर्सन आरिफ सिद्दीकी के साथ मैं मोहम्मद गुलफाम।